दोस्तों आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से आ रहे एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से काफ़ी सालों बाद जो रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है, और यहाँ पे अप्रेंटिस की जो जॉब है, एक तरह से पोस्ट कह सकते हो, वो आपके लिए यहाँ पे निकाली गई है। पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं, ये जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, एज डिटेल्स क्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कब से लगेंगे और क्या जो है क्राइटेरिया फुल रहेगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी कोई भी अपडेट जॉब नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ये निकाला गया है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 390 वैकेंसीज हैं। फॉर्म इसके यहाँ पे देख सकते हैं 29 अगस्त से लगना शुरू हो चुके हैं, और क्लोजिंग डेट यहाँ पे देख सकते हैं 12 सितंबर। तो इन दिनों में आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह फॉर्म अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका होगा, टू बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली, मतलब आपको बाद में बता दिया जाएगा कब इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा। डिटेल वाइज वैकेंसी यहाँ पे मेंशन करी गई है, जैसे श्रीनगर में SC ST कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, OBC की कितनी है, EWS की कितनी है, ये सभी मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज और यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये दोस्तों यहाँ पे दी गई है, इसको भी डिटेल वाइज बताएंगे। सबसे पहले पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह आपको रीड आउट करना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। और सेकंड नंबर पर आपको लोकल लैंग्वेज, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज तो आनी होनी चाहिए, तो ये चीज़ रहेगी। और एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं 20 साल से लेके 28 साल के बीच में अगर आपकी एज लिमिट बिलोंग करती है तो आप इस फॉर्म को जरूर दोस्तों अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है इसके अंदर ही आप जो है एज लिमिट जो है रही गई है। और यहाँ भी बात करें तो 1 जनवरी 2023 से एज लिमिट आपकी काउंट की जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग देख सकते हैं 1 साल की यहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग यहाँ पर लिखी गई है, और ट्रेनिंग हाफ से भी इसमें दिए गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको और इम्पोर्टेंट बता दूँ, ये कोई परमानेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं द एप्रिशेंट शैल हैव नो राइट टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट इन बैंकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। जब आपकी 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो कम्प्लीट हो जाती है तो आपको दोस्तों कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं करना होगा कि हमें परमानेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक टेम्प्रेरी बेसिस पे कह सकते हो ये जो रिक्रूटमेंट है निकली है। बाकी इसका सिलेबस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स की, फिर मैथ आपका 25 मार्क्स का, रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही मार्क्स रहेंगे, ये आपका क्राइटेरिया है। और यहाँ पे सिलेबस वगैरह भी इसमें मेंशन किया गया है, तो सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो।